तो हम बात कर रहे हैं कि डेटा कैसे एक्सेल में हम इंपोर्ट करते हैं, राइट। तो हमारे पास गेट डेटा का ऑप्शन है फ्रॉम फाइल एंड फ्रॉम वर्कबुक, और हमने सेलेक्ट कर लिया अपना डेटाबेस इंपोर्ट कर लिया। अब इसमें जितने नंबर ऑफ शीट्स है उसका लिस्ट आया, हमने पर्टिकुलर शीट को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन बेनिफिट क्या है डेटा इंपोर्ट करने का, बेनिफिट क्या है? हम नॉर्मल कॉपी पेस्ट भी तो कर सकते हैं, हम पेस्ट एज ए लिंक भी तो कर सकते हैं, बट इसमें हमारे पास एक ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। मतलब कि हम डेटा को इंपोर्ट करने से पहले इसमें कुछ चीजें कर सकते हैं। जैसे कि मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया तो ये सीधे आपका पावर क्यूरी में खुल गया, पावर क्यूरी। ओके, पावर क्यूरी खुलने के बाद अब क्या हुआ कि यहां हम अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देखिए कि क्वांटिटी और एमआरपी है, मैं चाहता हूं कि इनमें एक नया कॉलम अमाउंट का जुड़ जाए। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, ऐड कॉलम में जाएंगे, ऐड कॉलम में जाने के बाद कस्टम कॉलम, और इस कस्टम कॉलम पे जब क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा, यहां पे डाल दीजिए अपने अमाउंट जो भी डालना है, जिसमें डाल दीजिए अमाउंट, और यहां अपना फॉर्मूला लगा दीजिए क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी। अब देखिए यहां पे एक नया कॉलम ऐड हो गया, दिख रहा है सर, एक नया कॉलम ऐड हो गया। उसके अलावा चाहते हो कि नहीं कोई फिल्ट्रेशन लग जाए तो यहां से फिल्टर कर सकते हैं। हालांकि पावर क्वेरी पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैं फिलहाल बता रहा हूं कि डेटा को लोड करने का बेनिफिट क्या होता है। अब देखिए यहां पे अमाउंट आ गया, एक फिल्टर डेटा आ गया, ये चीजें इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये चीजें आपको लेटेस्ट वर्जन है उसमें हो पाएगा, आप ओल्डेस्ट वर्जन में आपको देखेंगे कि आपको डेटा मेनू बार में यहाँ गेट फॉर्म फाइल पे आपने डेटा नहीं दिखेगा, फॉर्म सिस्टम नहीं दिखेगा। तो उस समय हम लोग फॉर्म एक्सेस करते हैं और एक्सेस से देके आते हैं, हमने एक्सेल फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फॉर्म फाइल में एक्सेल वर्कबुक है, आप नोट पैड की फाइल, आपकी जो नोट पैड की अगर कोई डेटा है तो नोट पैड की डेटा को भी आप यहीं से विजुलाइज कर सकते हैं। या फिर आपका सीएसवी फाइल है, सीएसवी फाइल को भी आप ले सकते हैं। जैसे हमने इसको क्लिक करके ओपन किया इंपोर्ट, तो सीएसवी फाइल से आप कॉमा सेपरेटेड है, ठीक है, हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया और ये हमारे पास पावर क्वेरी चला आया। तो ट्रांसफॉर्म हर बार क्लिक नहीं करना है, ट्रांसफॉर्म कम क्लिक करेंगे जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, मतलब कि हमें इसमें कुछ एडिट करने की जरूरत पड़ेगी, देन हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, अदरवाइज जो नॉर्मल है वो हम नॉर्मल लोड पे क्लिक करेंगे। आपको इसमें अगर किसी पीडीएफ से, अगर मान लीजिए कि पीडीएफ में डेटा पड़ा हुआ है तो आप यहाँ फ्रॉम पीडीएफ पे क्लिक करें और यहाँ आप फ्रॉम पीडीएफ से डेटा लेके आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन पीडीएफ जो है स्कैन नहीं होना चाहिए, अगर पीडीएफ आपका स्कैन है तो डेटा सही से नहीं आएगा, इसलिए पीडीएफ को प्लीज स्कैन मत रखिएगा, अगर स्कैन है तो फिर नहीं आएगा। ओके मैम, उसके बाद ऐसे यहाँ पे फोल्डर, एक फोल्डर का डेटा ला सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म आप एमएस एक्सेल सीक्वल से डेटा लेके आ सकते हैं, फ्रॉम अदर सोर्सेज में जैसे कि किसी टेबल से या किसी इंटरनेट से। अब इंटरनेट से कैसे डेटा लेके आ सकते हैं, तो इंटरनेट से डेटा लाने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक वेब पेज, आप पहले एक वेब पेज फाइनल कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे गूगल पे जाके हम एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ और ये लिस्ट आ गई हमारी। अब मुझे इसमें ये डेटा है, मुझे एक्सेल शीट पे चाहिए, एक टेबल फॉर्मेट, हमने लिंक को क्लिक किया और जो यहाँ पे लिंक था इस लिंक पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया एंड देन ओके।
अब कुछ देर में देखिएगा कि इसके अंदर जितने भी टेबल्स हैं सारे टेबल्स आ जाएंगे और टेबल्स आने के बाद हम इसको आसानी से इसको सेलेक्ट करते हैं एंड इसको हम लोड कर देते हैं। ये डेटा पूरा का पूरा डेटा आ गया। ठीक है मयूरी जी, तो इंटरनेट से डेटा इस तरह से हम ला सकते हैं।